साबुदाना भिगाओ सिर्फ 15 मिनट में इस ट्रिक से। ट्रू और फॉल्स, चलो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्लॉक लगा दी क्योंकि 15 मिनट तो 15 मिनट होना चाहिए एग्जैक्टली। और अच्छे क्वालिटी का साबुदाना लेना था तो मैंने अच्छे क्वालिटी का ही बेशक साबुदाना लिया है। इसको दो बार वॉश करना है तो चलो फटाफट से दो बार वॉश कर लेते हैं इसको। और वहाँ पर यूज़ हुआ है प्लास्टिक लेमिनेटेड बोल का, तो मैंने भी वैसे ही बॉल ले लिया है जिसके अंदर की पानी वगैरह थोड़ा देर से ठंडे होते हैं। और अब ऐड कर देना है आपको गर्म पानी। और टाइम की अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो 3:30 हो रहे हैं। पूरे 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पूरे 5 मिनट बाद आपको पानी को ड्रेन आउट कर लेना है और इसको दोबारा से ढककर छोड़ देना है पूरे 10 मिनट के लिए। यानी टोटल इसका जो सोकिंग टाइम होगा वो 15 मिनट्स का होगा। तो इस हिसाब से 4:15 तक मुझे इनको छोड़ना है। बहुत बेसब्री से मुझे इंतज़ार है 4:15 का और ये 4:15 हो चुका है। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। ढंटन है, ओ माय गॉड, बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट है यहाँ पर। आप खुद ही देख पा रहे होगे साबुदाना कितना चिपचिपा सा है, बिल्कुल भी सोक नहीं हुआ। ये एकदम से टाइट है, ये अंदर से बिल्कुल हार्ड है। मैंने इसको बहुत प्रेस करने की कोशिश की लेकिन आप देख पा रहे होगे ये टूट ही नहीं रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि 5% भी साबुदाना भीगे होंगे। तो मुझे ये बिल्कुल फेल रेसिपी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल ट्राई मत करना और एक बार कर लेना, आपको भी पता चली जाना चाहिए कि रिजल्ट ऐसा। इस बड़े से फेल के बाद मुझे पता है कि आप जानना चाहते हो कि परफेक्टली साबुदाना कैसे भिगोते हैं। तो ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। चाहो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।